आज हम आपको सुनाएंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहद खूबसूरत प्रेम कथा। किसी परी कथा से कम नहीं है ये प्रेम कहानी। ये प्रेम कहानी है एक 12 साल की लड़की की, जिसने पहली बार अपने ड्रीम बॉय को बड़े पर्दे पर एज ए हीरो देखा और अपना दिल हार बैठी। महज 12 साल की ये लड़की थी शायरा बानो, जिसने दिल हारा था अपने से 22 साल बड़े उस वक्त के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपर स्टार दिलीप कुमार पर। दिलीप कुमार उन दिनों भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थे और उन्हें दुनिया जानती थी। शायरा बानो ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्हें एक बार मौका मिला दिलीप कुमार की फिल्म मुगले आजम की शूटिंग देखने का। फिर क्या था, वो चल पड़ी अपनी माँ के साथ इस फिल्म की शूटिंग देखने। चूंकि शायरा बानो की माँ नसीम बानो खुद फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी अदाकारा रही थी, इसलिए दिलीप कुमार ने खुद उनका वेलकम किया। लेकिन दिलीप कुमार का सारा ध्यान नसीम बानो पे था और वो शायरा बानो को महज एक छोटी सी बच्ची समझकर नजरअंदाज करते रहे। लेकिन दिल के हाथों मजबूर शायरा बानो ने दिलीप कुमार के ख्वाब देखने ना छोड़े और इसी ख्वाब को दिल में सजोए शायरा बानो ने एंट्री की फिल्मों में एज ए हीरोइन जंगली फिल्म से। जंगली फिल्म के रिलीज होते ही शायरा बानो का क्यूट सा चेहरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में छा गया। शायरा बानो को अच्छी फिल्मों के रोल ऑफर होने लगे और इस सिलसिले में दिलीप कुमार को शायरा बानो के साथ कई काम करने के ऑफर मिले। लेकिन दिलीप कुमार हमेशा की तरह उन्हें एक छोटी बच्ची समझकर उन कामों को नजरअंदाज कर देते। दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि उन्होंने उस वक्त कभी शायरा बानो को एक औरत के रूप में देखा ही नहीं, उनके लिए वो एक छोटी बच्ची थी। पहली बार दिलीप कुमार ने शायरा बानो को उनके बर्थडे पर नोटिस किया जब नसीम बानो के बुलावे पर वो शायरा बानो के बर्थडे में गए और वहाँ ब्रोकेट की साड़ी में उन्होंने शायरा बानो को पहली बार देखा। इस खूबसूरत सी लड़की को देखकर पहली बार दिलीप कुमार का दिल भी शायरा बानो के लिए धड़का। दिलीप कुमार और शायरा बानो के दिलों को मिलवाने का काम किया शायरा बानो की माँ नसीम बानो ने, जिन्होंने खुद आगे बढ़कर इस रिश्ते की पहल की। शुरुआत में दिलीप कुमार को जरूर इस रिश्ते को लेकर कुछ हिचकिचाहट थी, क्योंकि उम्र का एक बहुत लंबा फासला था दोनों के बीच। बता दें कि दिलीप कुमार और शायरा बानो के बीच 22 साल का फर्क है। वर्ष 1966 में जब दिलीप कुमार ने शायरा बानो से शादी की तो दिलीप कुमार की उम्र थी 44 साल और शायरा बानो की उम्र थी महज 22 साल। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने उम्र के इस लंबे फासले को देखते हुए भविष्यवाणी की थी कि ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन दिलीप कुमार और शायरा बानो के एक दूसरे के प्रति असीम प्रेम ने साबित कर दिया, न उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे दो दिल तो देखे सिर्फ ये मन।